हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे इंडियन रेलवे की तरफ से बम्पर भर्ती का। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे 6,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये सारी वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए देखने को मिलेगी। मैंने आपको बोला भी था कि जनवरी के महीने के अंदर इंडियन रेलवे अपना पहला नोटिफिकेशन जारी करेगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने कर दी है। और यहाँ पे जो आपके लिए पद रहेंगे वो आपका असिस्टेंट लोको पायलट के पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है और ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेगी। इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एक परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपका सैलरी जो रहता है वो आपका 48,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको देखने को मिलता है। सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है। देखिए, अगर आप में से किसी भी बच्चे ने आईटीआई कर रखा है किसी भी ट्रेड के अंदर, वो भी एएलपी के लिए अप्लाई कर सकता है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच में तो भी आप एलिजिबल रहते हैं। और यदि आप में से किसी भी बच्चे ने बीबीटेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि एएलपी के लिए आईटीआई, डिप्लोमा और बीबीटेक तीनों टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रेलवे के अंदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन रेलवे का एएलपी का एग्जाम हो या फिर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हो या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी हो और आपको नोट्स की जरूरत है, प्रीवियस ईयर के पेपर की जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको अपनी ब्रांच को बता दीजिएगा और आपको कौन सी लैंग्वेज में नोट्स चाहिए वो भी बता देना। मैं आपको सबसे पहले एएलपी के नोट्स और सारी चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है यार जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं इसी बात पे यार, एक लाइक तो बनता है। लाइक का टारगेट रहेगा 1000+, आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर आपको क्लिक करना है, डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट होके बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को, तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर जारी कर दिया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका फुल नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिलेगा, लगभग 20 जनवरी से पहले पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और स्टार्टिंग डेट जो रहेगा अप्लाई का वो आपका 20 जनवरी यहां पे रहने वाला है। तो डिस्कस कर लेते हैं यहां पे। देखिए, वैकेंसी निकाली गई है यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, CEN01 यहाँ पे 2024 ये आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो पहली रिक्रूटमेंट रहेगी जनवरी के महीने की, असिस्टेंट लोको पायलट के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे जेई की या फिर एसएससी की वैकेंसी निकालेगा, नहीं, इन्होंने अब वैकेंसी निकालना स्टार्ट कर दी है। पहले मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले तो एएलपी का वैकेंसी आएगा, उसके बाद जेई का और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का साथ में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, जो जल्द ही आपको मार्च या फरवरी के बीच में आपको जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि इसका अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 20 जनवरी से इसका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको 20 जनवरी को ही इसका अप्लाई वीडियो पूरा डिटेल में बना दूंगा। अगर आप में से किसी भी बच्चे को इसका अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। पूरे एक महीने का समय मिलेगा, लास्ट डेट रहेगा इसका 19 फरवरी 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि इसका जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा इसके अंदर ट्रैफिक रहता है और वेबसाइट के अंदर एरर आता रहता है,
ठीक है, अप्लीकेशन फॉर्म अगर आप फिल करेंगे तब आपको पता चलेगा, लेट मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5,696 के करीब वैकेंसी है, लगभग 6,000 के करीब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ये आपका लेवल 2 का यहाँ पे आपका पे स्केल देखने को मिल जाता है, जो कि आपका स्टार्टिंग पे स्केल रहेगा 19,900 रुपये, ये आपका पे स्केल है। और स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी रहेगी लगभग 35,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये के बीच में आपका सैलरी देखने को मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका जो एज लिमिट रहेगा वो आपका 18 से लेकर 30 साल के बीच में एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा। 1/7/2024 तक ये आपका एज लिमिट यहाँ पे काउंट किया जाएगा, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका A1 इन्होंने रखा है, फिजिकली फिट होने चाहिए आप यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो आपका डिस्टेंट अब विजन है वो आपका 6x6 का होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो नियर विजन है वो आपका 0.6 यहाँ पे विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते, जिनको कलर ब्लाइंडनेस है वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। इन्होंने यहाँ पे सारी चीजें मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे जो आपका असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे अगर आपने IT कर रखा है किसी भी ट्रेड में, सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। IT वाले बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, अगर आपने मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में, या फिर आपने किसी भी इन ब्रांच से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे डिग्री कर रखा है, मतलब कि 4 साल का BBTech कर रखा है, वो कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेटरल एंट्री वाले भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, सभी लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा CBT एग्जाम रहेगा, इसमें मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जैसे कि मैं आपको बता दूंगा कि इसका CBT एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है इसका, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर करके रखिएगा। और यहाँ पे आपका अप्लीकेशन फीस रहेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है, जो कि आपका जनरल है, या फिर आपका यहाँ पे OBC कैंडिडेट है, या फिर आप यहाँ पे EWS कैंडिडेट हैं, तो आपको 500 रुपये इसका अप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप SST कैंडिडेट हैं, सर्विसमैन हैं, ट्रांसजेंडर हैं, या फिर आप यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको 250 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा, जो कि रेलवे का यहाँ पे रहता है, तो ये आपका एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा उसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। 20 जनवरी से पहले ही इसका फुल नोटिफिकेशन इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 20 जनवरी को इसका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। अब बात की जाए यहाँ पे कि कौन कौन सी वेबसाइट पे आपको मिलेगा, तो इनकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है, जैसे कि आपका अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, बिलासपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जम्मू और कोलकाता, ठीक है, और ये सारी यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है, इन सभी वेबसाइट पे 20 जनवरी से पहले पहले इसका फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। अब बात की जाए यहाँ पे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी है, और ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, मतलब कि आपको इसका ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, इसको ऑफलाइन अप्लाई आपको नहीं करना है। और जब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं आपके लिए अलग से इसका एक वीडियो बना दूंगा और मैं आपको उसके अंदर पूरा डिटेल बता दूंगा। अभी के लिए मेरे भाई बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ आ रही है रेलवे की तरफ से, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है बार बार नहीं निकलती, लगभग 5 सालों के अंदर ये ऐसी वैकेंसी आती है। वैकेंसी जरूर कम है लेकिन यहाँ पे वैकेंसी निकाली है कम से कम इन्होंने, तो आप इसकी प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि जो कैंडिडेट जिनकी ब्रांच सिविल है, वो सिविल वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं रहते, सिविल वालों के लिए अलग से जूनियर इंजीनियर या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर जैसी वैकेंसी निकाली जाती है। और इसके अंदर आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इनसे रिलेवेंट कोई भी ब्रांच है, डिप्लोमा BBTech कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और IT के अंदर ऑल ट्रेड एलिजिबल है, IT अगर आपने किसी भी ट्रेड से कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।